ओके सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जैसे कि आपको पता है होली चल रही है अभी, इस सिचुएशन पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी डाइट से रिलेटेड। अब आप यहाँ पर कहोगे कि मैं ये बताऊंगा कि हमें अपनी डाइट के संग चीट नहीं करना चाहिए या हमें कोई उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि भैया ये हमारे जो त्यौहार हैं दीपावली वगैरह इन सबको होलिया वगैरह बनाना छोड़ दें क्या। देखिए मैं आपको यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने फेस्टिवल्स पर एंजॉय नहीं करो, एंजॉय करिए, लेकिन आपकी जो डाइट है वो पूरी लेना है और साथ में जो आप खाना चाहते हो एक्स्ट्रा, आपकी मिठाई समोसे जलेबी वगैरह कुछ भी हो सकता है, गुजिया बस आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि मेन न्यूट्रिशन फुल डाइट छोड़कर आप ये एम्प्टी कैलोरीज वाली डाइट लो सुगर टाइप की। जैसे कि आपको पता है गुजिया वगैरह ये सब मैदा वगैरह से बनती है, आपके लड्डू वगैरह हो गए, स्वीट्स वगैरह, सुगर, चाशनी वगैरह, क्या है इसमें एम्प्टी कैलोरीज। ये आपको एनर्जी तो दे देगी लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देगी, और न्यूट्रिशन का यहाँ पर क्या काम है, जो कि आपके मसल को होल्ड रखता है, आपको मसल को आसानी से बढ़ाने में आपकी मदद करता है, वो चीज आपको ये फूड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर अपनी डाइट लीजिए और साथ में इस फूड को ऐड कर लीजिए एक दो दिन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए लेकिन अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। और जिन लोगों को पता नहीं है कि भैया फैट लॉस कैसे करें, मसल बिल्डिंग कैसे करें, तो उन दोनों की मैंने वीडियोज की लिंक, प्लेलिस्ट बेसिकली आगे दे दी है, आपको देखने के लिए मिल जाएगी।